हेलो स्टूडेंट्स पैसिव पैसिफ क्वेश्चंस का मेरा ये दूसरा वीडियो है और इससे पहले मैं एक वीडियो इसी टॉपिक पे अपलोड कर चुकी हूँ उसमें मैंने डब्ल्यू एच वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये बताया था तो अगर आप लोग उस वीडियो को देख के उसके बाद इसमें आइएगा तो कॉन्सेप्ट आप लोग का बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है तो फटाफट से जाइए और देख के आइए चलिए आज के वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं तो आज का हम लोग का टॉपिक है कि जब भी कोई सेंटेंस क्वेश्चन में रहे विथ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि क्वेश्चन तो बनता है बट ऑक्सिलरी वर्ब से तो उन सबको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे आज का हम लोग का ये टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स डू डज ओके okay? ये डू do और जो एक्सलेट वर्ब है इसका अगर हम लोग एक्टिव से पैसे में चेंज करते हैं तो एम इज आर में चेंज हो जाता है इसके साथ और एक है डिड लेकिन ये पास्ट वाला फॉर्म है और ये दोनों जो है प्रेजेंट वाला फॉर्म है ये पास्ट वाला है तो इसका क्या चेंज होगा वाज या वेयर और याद रहे कि इन तीनों को आ, इन तीनों को पुट करने के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है जो मेन वर्ब रहता है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में ही रहता है ओके अब नेक्स्ट भी है और ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते है जैसे कि हैज या हैव ये दोनों प्रेजेंट में और अगर पास्ट में आए तो हैड हो जाएगा तो इसका भी चेंज कैसे करेंगे हम लोग पैसिव में हैज़ बीन हो जाता हैज़ का और हैव का हैव बीन हो जाता है पैसिव फॉर्म में ठीक है और हैड का हैड बीन हो जाएगा और मेन वर्ब किस में रहेगा मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में रहता है थर्ड टॉपिक है हम लोग का अदर मॉडल वर्ब्स अगर मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड कोई भी आ जाता है एक्टिव वर्ब्स उसको हम लोग को पैसे में चेंज करना है। तो उसमें क्या करेंगे जो मॉडल वर्ब है वो उसी फॉर्म में रहेगा प्लस बी ऐड करेंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल ओके ये हुआ मॉडल वर्ब को एक्टिव से पैसे में चेंज करना और ये दोनों जो है ऑक्सिलरी तो ये ती, तीनों टॉपिक आज की वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ तो ये हम लोग का क्या है दिस इज़ कॉल्ड वर्ड ऑर्डर यानी कि इसी ऑर्डर में हम लोग को किसी भी सेंटेंस को जो कि इन सभी से रिलेटेड है टॉपिक से उसको हम लोग को इसी वर्ड ऑर्डर में अरेंज करके उसके बाद एक्टिव से पैसे में चेंज करना है तो पहला सेंटेंस अगर हम पहला मैं अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो डू यू नो हिम क्या तुम उसे जानते हो ओके okay? तो ये तो एक्टिव है दिख ही रहा है एकदम समझ में आ जा रहा है एक्टिव वॉइस में है ये अब इसको पैसे में कैसे चेंज करना है तो डू तो प्रेजेंट है राइट right? और डू do या डस का एम एज आर में चेंज होता है पैसे वॉयस जाने पर तो यू नो हीम ओके तो ये ऑब्जेक्ट में ये एज यूजल सब्जेक्ट में आ जाएगा ही राइट नोन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे टू या बाई हम लोग यूज कर सकते हैं तो टू ज्यादा यहाँ पे सूट कर रहा है इसलिए हम लोग टू यूज करेंगे अब यहाँ पे क्या बैठा है यहाँ पे कुछ ऐसा हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब बैठेगा जो कि डू से रिलेटेड है और ही के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब बैठता है इज नॉट आर ओके तो यू यहाँ पे चला गया ठीक है वर्ब जो है यहाँ पे, पे भी वन था यहाँ पे भी थर्ड हो गया और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में हो गया जो कि ही है और ही के साथ हमेशा इज आता है तो इसलिए डू यू नो हिम इसका पैसिव क्या होगा इज ही नोन टू यू क्वेश्चन मार्क इस टॉपिक का मैं एक, एक और एग्जाम्पल देती हूँ इससे आइडिया क्लियर होगा डज रोहन हेल्प यू क्या रोहन ने तुम्हारी मदद की ओके okay? तो ये तो एक्टिव में है इसको पैसे में कैसे चेंज करेंगे एज इज वल ये ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में आ जाएगा यू हेल्प्ड इसका वी वन वी थ्री बाई मैंने बोला था बाई या टू टू यूज़ कर सकता है तो यहाँ पे बाई सूट कर रहा है वहाँ पे टू सूट कर रहा था ओके okay? अब यू के आगे में एक्ट्रो हेल्पिंग वर्ब बैठाना है ऑक्सिलरी वर्ब बैठाना है तो डज है उसके साथ रोहन का रिलेशन था ओके okay? तो यू के साथ कौन सा रिलेशन रहेगा आर का के साथ हमेशा आर आ रही यूज होता है ना वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल थ्री हैज शोहन हिम इसका कैसे चेंज होगा ये कौन सा है ये रूल बी से बता रही हूं ओके रूल ए खत्म हो गया अब रूल बी में आते हैं थोड़ा सा कैसे चेंज होगा इसका एज यूज ही का हो जाएगा हिम uh, का हो जाएगा चेंज पैसे में ही बेन एक मिनट पहले यहाँ पे हम लोग हैज़ कर देते हैं ओके ही के साथ हैज़ लगता है और हम बोले थे हैज का जो है पैसिव वॉइस में जैसे ही जाता है हैज़ बीन हो जाता है तो चूँकि ये क्वेश्चन में है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है आगे चला आएगा ओके यहाँ पे हैज है तो पैसिव में ही के साथ हमेशा सा हैज़ बीन लगता है ओके तो हैज़ आगे क्यों चला जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन में हैज आगे चलाता है फिर सब्जेक्ट उसके बाद जो भी लगाना है बी बिन या जो भी एक्स्ट्रा चीज यूज होता है वो देन क्या होगा हेल्प पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय सोहन ये हो गया चेंज ठीक है हैज से स्टार्ट होने वाला जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्टिव वॉइस है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कुछ इसी तरह से चेंज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम्पल फोर है हैव दे हेल्प्ड यू दिस इज अ क्वेश्चन इसको चेंज कैसे करना है uh, एकदम ऊपर वाला जो एग्जाम्पल थ्री है उसके जैसे सिमिलर होगा करते हैं हैवे ऑब्जेक्ट में आए सब्जेक्ट में आएगा यू बिन हेल्प्ड बाई दे का क्या होता है देम दे को हम लोग जब भी पैसिव में ले जाते हैं तो वो डेम हो जाता है दे को जब ऑब्जेक्ट में पैसिव वर्स में ऑब्जेक्ट में ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो डेम हो जाएगा ओके अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल विल दे हेल्प यू पे विल है विल क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है अच्छा कोई भी मेन वर्ब रहता है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब रहता है उससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि टेंस जो भी या फिर कोई भी सेंटेंस है वो किस टेंस में है ये समझ में आता है ठीक है तो इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन है विल ओके okay? तो इससे हम लोग को क्या पता चला इसका कौन सा टेंस है इसका टेंस है फ्यूचर टेंस ओके okay? और विल के साथ हमेशा बी लगता है विल बी किस में एक्टिव में अगर ऑक्सिलरी वर्ब विल है तो पैसिव में विल बी हो जाता है सिमिलरली अगर सेल रहता है तो शैल बी हो जाएगा ओके okay. तो यहां पे भी वही रूल अप्लाई होगा तो क्या हो सकता है इसका पैसे में चेंज विल यू बी हेल्प्ड by देम ओके okay. ये चेंज है थोड़ा सा विल आगे चला आया है क्योंकि इसको क्वेश्चन में चेंज करना है सिंपल सेंटेंस है नहीं और बी लग गया फिर पास्ट पार्टिसिपल हेल्प का बाय दे का चेंज uh, होता है ऑब्जेक्ट में तो देम हो जाता है ओके okay? तो यह रहा ट्रांसफॉर्मेशन चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल सिक्स डिड शोहन हेल्प हर ओके दिस इज अ क्वेश्चन इन द एक्टिव फॉर्म इसका क्या चेंज हो जाएगा डिड है ओके डिड क्या इंडिकेट करा पास्ट इंडिकेट कर रहा है, ओके? तो हर का सी सी के साथ में से वाज़ लगता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, इसलिए वाज़ लगा रहा है, ओके? Okay? वाज़ सी हेल्प्ड बाई शोहन, दर। हम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं प्रीवियस पेज में कि डिड अगर रहता है तो उसका क्या होता है चेंज पैसिव वॉइस में वाज वॉजेयर होता है और अगर डू do या डज रहता है तो उसका पैसिव वॉइस में एम इजर होता है कि ठीक है क्योंकि प्रेजेंट का प्रेजेंट और पास्ट का पास्ट तो उसी रूल का अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ पे वॉस सी हेल्प्ड बाई सोहन ये वाला हम लोग चेंज किए हैं एक्टिव से पैसिव में तो ये तो हम लोग का करेक्ट है और इसी तरह से रूल अगर फॉलो करते रहे तो बहुत से जो छोटे मोटे मिस्टेक्स होते हैं वो मिस्टेक्स नहीं होगा नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मॉडल पैसिव यानी कि मॉडल मॉडल पैसिव राइट यानी कि हम लोग मॉडल वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे तो एक वर्ड ऑर्डर है जैसे कि हम हर बार एक वर्ड ऑर्डर देते हैं इससे क्या होता है एक ठो माइंड सेट रहता है कि हाँ नहीं इसी अनुसार चलना है ठीक है तो वर्ड ऑर्डर क्या है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ओके तो पैसिव पैसि में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो so, एक एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल वन आई कैन डू इट तो हाउ टू चेंज इट इन टू द पैसिवर्स कैन जो है यहाँ पे वो मॉडल है ओके कैन मॉडल है तो इट कैन बी डन बाई मी ओके कैन can, uh, can modal verb है plus बी plus past participle of the main verb यहाँ पे मेन वर्ब कॉमन है कौन है डू डू का क्या हो गया पास्ट पार्टिसिपल हो गया डन है इट जो है यहाँ पे आना ही है क्योंकि वॉइस चेंज का यही रूल है जो ऑब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट में आ जाता है और जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है तो आई का मी हो जाता है तो इट कैन बी डन बाय मी यही हो गया चेंज ऑफ दिस सेंटेंस एग्जांपल टू में देखते हैं सुमन कैन राइट अ बुक सिंपल है अ बुक कैन बी रिटन बाय सुमन है ना सारा रूल सेम है बट यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि मॉडल वर्ब जब भी रहेगा तो ध्यान रखना है कि कैन बी लगा के और इसका चेंज कर लेते हैं अब एग्जाम्पल थ्री देख ले यू शुड रीड द बुक यहां पे मॉडल वर्ब कौन है शुड ओके शुड मतलब तुम्हें यह बुक पढ़ना चाहिए ओके यू शुड रीड दिस बुक तो क्या हो जाएगा इसका चेंज द बुक शुड बी रीड बाई यू ओके यहाँ पे हम लोग बी को अगर ना भी यूज करने चाहे तो नहीं कर सकते क्योंकि शूड ऐसा मॉडल वर्ब है जो सेंटेंस में बैठा देने से पता चलता है कि बहुत ज्यादा प्रेसराइज होकर हो रहा है बोल रहा है यू शुड रीड द बुक तुम्हें ये बुक पढ़ना चाहिए तो यू शुड बी रीड द बुक या यू शुड रीड द बुक बी नहीं लगाने से भी चलता है कभी कभी ये सेंटेंस इस टॉपिक से रिलेटेड और दो तीन एग्जाम्पल्स है जो की मॉडल वर्ब से रिलेटेड है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल फोर है सुधा मे बाई अ कार यहां पे मॉडल वर्ब कौन है मे अभी तक तो हम लोग कितना मॉडल वर्ब देखे हैं कैन शुड देखे हैं, ओके okay? तो मे भी इसमें ऐड हो गया ये भी मॉडल वर्ब ही है ठीक है मे का मीनिंग होता है शायद सुधा मे बाई ए कार सुधा शायद एक कार खरीद सकती है ठीक है तो इसका चेंज क्या होगा अ कार मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बी लगेगा फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब बाय शुदा ओके एग्जांपल फाइव में आते हैं शी कुडीचर्स ऐसा लग रहा है कि ये कैन uh, का पास्ट फॉर्म है ना, कुड लेकिन लग रहा है नहीं फॉर्म है कि ये कैन का पास्ट फॉर्म कुड ही होता है लेकिन हम लोग कुड को भी एज ए मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं ओके okay. तो इसका मतलब ये नहीं कि कूड को हम लोग जब पैसे में चेंज करें तो फिर से पास्ट में चेंज कर देंगे नहीं कूड जो है यहाँ पे मॉडल वर्ब के हिसाब से यूज हो रहा है तो मॉडल वर्ब में नो no चेंज होना चाहिए सिर्फ उसमें क्या लग जाएगा बी लग जाएगा राइट right? तो वी कुड बी टॉट बाई हर नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिया विल डू दिस वर्क रिया इस काम को करेगी ओके okay. तो यहां पर जो विल है ऑग्जिलरी वर्ब इसको देख के क्या लग रहा है कि यह फ्यूचर टेंस में है हाँ ये फ्यूचर टेंस में है. कभी कभी ऐसा सेंटेंस जब आता है तो उसको फ्यूचर टेंस भी मानते हैं और विल जो है प्लस एज वेल एज जो बोल सकते हैं वो मॉडल वर्ब में भी आता है मॉडल वर्ब की कैटेगरी में भी आता है रिया विल डू दिस वर्क रिया जो है ये वर्ग पक्का करेगी ठीक है इसका अर्थ इसका मीनिंग यही है तो क्या चेंज हो जाता है इसका दिस वर्क विल बी डन बाय रिया ओके तो मतलब जो विल है फ्यूचर में तो यूज़ होता है ये प्लस मॉडल वर्ब में भी यूज़ होता है और हम लोग जब भी मॉडल वर्ब में आएगा तो हम लोग कुछ इस तरह से इसका चेंज करके एक्टिव से पैसे में चेंज कर देंगे बहुत चीज से रिलेटेड मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो और मेरे चैनल मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आप लोग कंटेंट पसंद आया हो तो साथ ही साथ नए डेली वीडियोज़ अपलोड पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग